प्रणाम स्वामी जी, आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, दीर्घायु भव। प्रणाम स्वामी जी, तथास्तु। प्रणाम स्वामी जी। अरे अरे, इतना दूर क्यों बैठे हो, थोड़ा समीप आओ। महाराज, आप जब से यहाँ आए हैं तब से धर्म की चर्चा कर रहे हैं, आपको थकान नहीं होती? कौन हो तू? मैं सोचता हूँ तुम तो बड़ा नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। महाराज, मैं आपको 3 दिनों से देख रहा हूँ, आप लगातार धर्म की चर्चा कर रहे हैं, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? पर मैं तो एक शूद्र हूँ, आप मेरे घर का कैसे खा सकते हैं? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए आटा डाल लिया था। अरे रुको, मुझे तो तुम्हारे घर की ही रोटी खाने जी की प्रजा हूँ, अगर उन्हें पता चला तो मुझे भारी दंड मिलेगा और राजा जी भी मुझे सजा देंगे। डरो मत, तुम्हारा दंड मैं सह लूंगा, परंतु अगर आगे जाके लोगों ने आपको मेरे हाथ का खाना खाते हुए देख लिया तो आपकी सब बुराई करेंगे और आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। अरे ये तो अच्छा है, मुझे थोड़ी देर बोलने की आवश्यकता भी नहीं होगी और मैं थोड़ा आराम भी करूँगा। तुम तो बस खाना लाओ। जी महाराज। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास बैठो। अरे बैठो, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे हुए दूत हो, बैठो और मेरे साथ भोजन ग्रहण करो। महाराज, आप सचमुच बहुत महान हैं, आज तक मुझसे इतनी अच्छी तरीके से किसी ने बात नहीं करी, आप सचमुच बहुत महान हैं। अरे बस भाई बस, जो दूसरों का भला करता है वो ही सबसे महान होता है, इस प्रकार से तुम सबसे महान हो, याद रखना। मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। वाह, क्या खाना है, तुम भी खाओ। हाँ, क्या रोटी है ये, मैं तो ये खाना खा के तृप्त हो गया। ये खाना है तो मुझे मेरी माता जी की याद दिलाती है, भगवान तुम्हारा भला करे। देखो भाई देखो, ये शूद्र स्वामी जी के साथ खाना खा रहा है। शिव शिव शिव, चलो इस शूद्र को सबक सिखा कर आते हैं। चलो शिव 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 शिव। अरे शूद्र, उठ यहाँ से, तेरी हिम्मत नहीं थी स्वामी जी के साथ बैठ कर खाना खा रही है। आप लोग तो अरे ये क्या कर रहे हो, मत छोड़ो। अरे स्वामी, आप एक शूद्र के हाथ का खाना कैसे खा सकते हो? पहले तो तुम कमीज से बोलना सीखो, यह एक इंसान है, मैंने इसके हाथों का छुआ हुआ नहीं, इसके हाथों का बनाया हुआ खाना भी खाया है। स्वामी जी, परंतु आप ये दानव सब कैसे कर सकते हैं? क्यों न खाऊं, क्यों न खाऊं, तुम लोग 3 दिन से मेरे पास आ रहे हो, धर्म की चर्चा कर रहे हो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, पर तुमने तो मुझे कभी खाने के लिए नहीं पूछा। स्वामी जी, अगर आपने हमें कहा था तो हम आपके खाने का प्रबंध करते। क्यों? हाँ जरूर, क्यों कहूँ, क्यों कहूँ,
मैंने तो आजकल भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है। ये बेचारा भला इंसान ये दुर्दशा देखकर मुझे खाना देने आया और तुमने तो मुझे वो भी नहीं दिया, इसकी ऐसा इंसान लगता है। प्रणाम महाराज। उठो राजन, उठो। अरे महाराज, हमने सुना कि आप पीआर स्टेशन पे तीन दिन से हैं। आपकी यह दुर्दशा, आपकी यह दुर्दशा किसने की? आइए फाइल ड्रम कीजिए। अरे मंदी राजन, अरे मंदी मंदी राजन, मैंने अभी ही बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया है। महाराज क्षमा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे का भी ऐसा नहीं होगा। क्षमा महाराज। अरे यह कौन है और इसने क्या गलती की है? महाराज ये एक शूद्र है और ये यहाँ स्टेशन पर ही काम करता था, परंतु इसने इसके हाथ का बना हुआ खाना स्वामी जी को खिला दिया। क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शिव शिव शिव, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। हाँ अवश्य मिलना चाहिए। हाँ दंड तो मिलना ही चाहिए, पर इस दंड का अधिकारी कौन है? ये जिन्होंने मुझे 3 दिन तक भूखा रखा, या ये भला इंसान जिसने मुझे खाना खिलाया? क्या स्वामी जी, आप 3 दिन से भूखे हैं, आपकी यह दुर्दशा किसने की? इसे अवश्य दंड दिया जाएगा। महाराज ये दंड किसे दिया जाए? इन ब्राह्मणों को जिन्होंने मुझे भूखा रखा, या इस शूद्र को जिसने मुझे खाना खिलाया? महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस शूद्र को एक योग्य पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, धर्मों से नहीं। स्वामी जी मैं आपके बात से सहमत हूँ, इसे पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा। और अब से तुम्हें स्टेशन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं, अब से तुम हमारे राज दरबार में काम करोगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महाराज हमें भी माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आज से हम कभी भी किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करेंगे। हाँ महाराज, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। इतना ही बहुत है महाराज। मैं आपके बड़प्पन से बहुत खुश हुआ, जब तक झूठी सभ्यता के नाम से पहचाने जाने वाली बीमारी समाज में है तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी और इस दरिद्रता को हटाने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। ब्राह्मण अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं और शूद्र अपने आप को नीच जाति का, ये मानसिकता हमें अपने मन से हटानी होगी। तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, अगर तुम चप्पल बनाते हो तो तुम्हारी चप्पलों के बिना कोई भी सेल्फ कर नहीं सकता, इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब अपने मन से बातवा ईर्ष्या सब हटा दो। स्वामी जी मन चाहता है कि बस मैं आपकी वाणी सुनता ही रहूँ। महाराज आप एक नेक इंसान है जो अपनी प्रजा के लिए इतना चिंतित रहते हैं। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा वंश और आगे बढ़ता रहे। महाराज मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आप ही के समान एक धर्म परायण पुत्र की प्राप्ति हो। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।